उत्तर प्रदेश के रामपुर में दर्दनाक हादसा हो गया है, जहां यूपी रोडवेज की बस की रॉन्ग साइड से आ रही निजी बस से जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 49 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से एक घायल ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। ये सभी लोग गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हरिद्वार शांति कुंज गए थे, जहां स्नान के बाद घर वापस आ रहे थे। रूट डाइवर्ट होने की वजह से प्राइवेट बस रॉन्ग साइड से आ रही थी। इसी दौरान मिरक हाईवे पर स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने दोनों बसों की आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई। देखी गई इस रिपोर्ट में समय था लगभग 4 बजे का, जिसमें एक यूपी रोडवेज की जो जनरल बस होती है उसका और एक प्राइवेट बस थी, उसके बीच में एक्सीडेंट हुआ है NH 24 पर तहसील मिलक में। उसमें लगभग 49 लोग घायल हुए हैं, 3 कैजुअल्टी हुई हैं, और अभी यहाँ CSC मिलक में लगभग सबको रेफर भर्ती कराया गया था। उसके बाद 9 लोगों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और सभी का इलाज सुचारू रूप से चालू है। सभी के डिटेल्स हैं वो नोट किए जा रहे हैं। उसमें लगभग 3 कैजुअल्टी हुई हैं, संभवतः एक ड्राइवर है जन्नत बस का और बाकी 2 और कैजुअल्टी हैं। सर बताना है कि रूट सर डाइवर्ट था, सर रूट डाइवर्ट है? नहीं, देखिए रूट डाइवर्ट नहीं था, ये कांवड़ का समय चल रहा है तो जो ये प्राइवेट बस आ रही थी वो रॉन्ग साइड पर आ रही थी और सुबह का समय था तो उसी समय। और ये जो पॉइंट है आपका, ये ट्राई जंक्शन का पॉइंट है, तहसील के लिए क्या कहते हैं, एक कट है इसमें हाईवे पर, वहीं पर ये एक्सीडेंट हुआ। छोटी हो या बड़ी, हर खबर मिलेगी आपको यहाँ पर। नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल, में हूँ आपके साथ खान उबैद यूनुस। आपको ये खबर हमारी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और हाँ साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली खबरें आपसे कहीं छूट ना जाएं। बने रहें खबरों के लिए आप मेरे साथ।